तो आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। भजन संहिता 62 का 8वां वचन, हालेलुया। वचन ये कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने हृदय उसके सामने उड़ेल दो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन, हालेलुया। भजनकार क्या कहता है, वचन क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेलना है। हालेलुया, हमें पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के सामने रखना है, उससे कहना है जो हमारे मन में है। हालेलुया, प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने मन में कुछ छुपाएं। देखिए, हमने इतना महान परमेश्वर पाया है। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए है। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम शुद्ध हो चुके हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम पवित्र हो चुके हैं, हम में वो सामर्थ आ चुका है उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का अद्भुत आशीष हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम किसकी संतान है, परमेश्वर की। इतना धीमा बोल रहे हैं आप किसकी संतान है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हम उसकी संतान है। इसलिए वो क्या कहता है, इस धरती पर जब परमेश्वर ने आपको रखा है अपनी संतान के रूप में, तो आपको अपने अंदर कुछ नहीं रखना है। वो कहता है कि मेरी बच्ची, मेरे बच्चा, अपने मन को उड़ेल दे मेरे सामने, उड़ेल दे। बता तेरे अंदर क्या है, बता ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे मुझे मुझसे दूर कर रही है। हालेलुया, देखिए एक बात को समझ लीजिए, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला पिता है। वो हमें सब कुछ दे सकता है, और मैं आपको बताऊं कि उसने हमें सब कुछ से ज्यादा दे दिया है। हालेलुया, चूंकि हम भौतिक चीजों को, जो देखने वाली चीजें हैं, उनको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद हमारे पास चीजें कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है, परमेश्वर ने आपको सिंहासन पर अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है, परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है, वो सामर्थ्य दिया है, आपको आत्मिक सामर्थ्य से भर दिया है आपको। इसलिए जो खजाना हमारे पास है मेरे भाई मेरी बहन, वो कहीं 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 बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप संकोच में मत रहिए, आप संकोच में संदेह मत रखिए कि मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप को मांगने से पहले वो देने वाला है। भजन संहिता 139 का 4 क्या कहता है, कि तेरे मुंह में बात आए उससे पहले मैं जानता हूं, उससे पहले मैं जानता हूं, क्योंकि तुझे तेरी मां की कोख में रचने वाला मैं हूं। जब तू उसकी कोख में नहीं आया था, तुझ पर मन लगाने वाला मैं हूं। इसलिए विश्वास करिए, आप जो कुछ भी अपने मन में रखते हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए विश्वास के संग हमें मांगना है। आपका विश्वास कमजोर होता है और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अविश्वास के संग मेरे सामने आए, संदेह के साथ मेरे सामने आए कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, मांगने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पिता कौन है। मांगने से पहले पता होना चाहिए आपको कि आप पिता के लिए कौन है, आप कौन है पिता के लिए। हम उसकी आंखों की पुतली हैं। उसने मेरे भाई आपका नाम अपनी हथेली पर रखा हुआ है, वो आपके सिर के बाल की गिनती जानता है।
इसलिए मांगने से पहले, उदास होने से पहले, संदेह करने से पहले सोचिए कि आप हैं कौन पिता की नजरों में, पिता की निगाह में आप कौन है। इसलिए संदेह मत करिए कि मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे का अच्छा होगा या नहीं होगा। नहीं मेरी बहन, नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होता है। उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है आपके लिए, इसलिए वो कहता है अपने मन में, तेरे मन में जो कुछ भी है उसे उड़ेल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उड़ेल दे, क्योंकि मैं हूं, मैं तेरी बातें सुनने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं हूं। आप कलीसिया आ रहे, आप नहीं जान रहे आपकी ताकत क्या है। यिर्मयाह 29 का 11, आज मैं आपको कुछ परमेश्वर की ऐसी योजनाओं के, परमेश्वर के ऐसे वादों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे उनको मांगना है, क्योंकि हम जानते नहीं है। Praise the Lord, यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Amen. परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जानता हूं उन योजनाओं को। परमेश्वर की ये वाणी है, वो कहता है मैं जानता हूं उन योजनाओं को जो मैंने तेरे लिए रची है, उन विचारों को जानता हूं, उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तेरे लिए रची हैं, और वो हानि की नहीं है, लाभ की है। यानी कि आपके लिए लाभ ही लाभ है, आपके लिए हानि नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर के बंदे हैं, जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, जब हम उसकी पुत्री हैं, जब हम उसके पुत्र हैं, तो हमें संदेह के साथ नहीं जीना है, हमें डर के साथ नहीं जीना है। मेरे लिए जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आशीष है, मैं मां बनूंगी। प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर ने अपने मुख से बोला है। इसलिए जब आप चलें इस धरती पर एक पुत्र बनकर, एक पुत्री बनकर, आपका अच्छा होना ही है, लेकिन इस वचन को, इस आज्ञा को, इस प्रॉमिस को आप अपने जीवन में उतारें। इसलिए जब भी आप अंगीकार करें, आप लोग अंगीकार नहीं करते हैं, देखिए आशीष कैसे पाएंगे आप उसका आशीष कैसे पाएंगे, आपके जीवन में वो योजनाएं कैसे पूरी होंगी जो परमेश्वर की हैं, जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे। हालेलुया, कोई भी मुसीबत हो आपका अंगीकार होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से निकालने के योग्य है। Praise the Lord, मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष है, मेरे बच्चे का अच्छा होगा, मेरे जीवन में अच्छा होगा, मेरे पति का अच्छा होगा, मेरे पति का बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसकी पुत्री हूं, उसका पुत्र हूं, और जो योजनाएं परमेश्वर की मेरे लिए है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। Praise the Lord. क्या होता है मेरी बहन, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप उस आशीष को खो बैठेंगे और शैतान आपके जीवन में काम करेगा। मैं भी एक कहानी पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा, एक लड़का था तमिलनाडु का। देखिए सिर्फ बाइबल है जो आपको बताती है कि मुसीबतों में स्थिर कैसे रहना है। परीक्षाएं तो आएंगी, आपका जीवन है, परीक्षाएं आएंगे, बीमार भी आप होंगे, लेकिन सिर्फ बाइबल है जो आपको बताती है कि आपको उन परीक्षाओं में कैसे स्थिर रहना है, आपको उन परीक्षाओं में कैसे आनंदित रहना है। सिर्फ बाइबल बताती है और कोई नहीं बताता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था,
चेन्नई का था, मद्रास का, उसने पढ़ा और पढ़ने के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नंबर वन आया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ी कंपनी में वहां पर उसको जॉब मिल गई, लाखों रुपए उसने कमाना शुरू कर दिए। उसने अपने लिए बंगला ले लिया, 5 फ्लैट का 5 रूम का, इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, गाड़ी आ गई, तमिल लड़की से, अच्छी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था, हालेलुया। क्या हुआ? संकट आया, इकोनॉमिक जो थी अमेरिका की वो डाउन हो गई, उसकी जॉब चली गई, उसकी जॉब चली गई, पत्नी जॉब चली गई। अब क्या करें? समस्या कि जो इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लिया है उसका ईएमआई कैसे भरेंगे और खर्चे कैसे चलेंगे। काफी दिनों तक घर में बैठा, जहां जहां ऑफिस के लिए अप्लाई करता था कोई सर्विस नहीं मिलती थी। अपार्टमेंट को बेचकर दूसरे अपार्टमेंट में आ गए, छोटे में आ गए, उससे छोटे में आ गए, कहीं सर्विस नहीं थी, क्या करें, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, जितना भी था उनके पास सब खत्म हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी स्थिति आ गई कि उनको लगता था कि उनके जीवन में अंधेरा है। एक दिन पति पत्नी ने निर्णय किया, बहुत सफल इंसान था, बहुत एजुकेटेड था, उसने निर्णय लिया कि मैं, हम दोनों मर जाते, सुसाइड कर लेते। पति ने पत्नी और बीवी को गोली मारी और खुद आत्महत्या की, मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें बहुत से लोगों के साथ होती हैं। लोग जो हैं अपने फेलियर्स को, अपनी असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और शैतान फायदा उठाता है और आपके जीवन को खत्म कर देता है। क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? कि वो अपनी असफलता को डील नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप अपनी असफलताओं से किस तरीके से डील करते हैं ये सिर्फ बाइबल बताती है। हालेलुया। इसलिए याकूब का 1:2 पढ़िए, याकूब 1:2 क्या कहता है? हम अपनी असफलताओं में कैसे स्थिर रहें? क्योंकि जब आपको यह पता है कि परमेश्वर आपके साथ है, जब आपको पता है कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर के सारे वादे आपके लिए संभव हैं और आपके लिए ही हैं, जिस दिन आपको यह पता होगा, जिस दिन आपको विश्वास होगा, आप परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, आप असफलताओं में डगमगाएंगे नहीं। कोई बात नहीं, नौकरी गई कोई बात नहीं, धंधा गया कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, परमेश्वर दूसरे रास्ते खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल बताती है कि मुसीबतों से हमें किस तरीके से निकलना है, मुसीबतों को हमें बताना है, मुसीबत तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। Yes. जब हम इस तरीके से अंगीकार करेंगे मेरे भाई, तो परमेश्वर का आशीष और उसकी शक्ति आपके जीवन में काम करेगी। इसलिए वो कहता है, ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, अगला, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो आनंद की बात समझो, तुम्हारी नौकरी गई आनंद की बात समझो, धंधा चौपट हुआ आनंद की बात समझो। हमें अपना आनंद नहीं खोना है, क्योंकि हमारा आनंद क्या है? परमेश्वर का वचन। वो कहता है कि मैंने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो तेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, इसलिए कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, मैं आनंद ही आनंद महसूस करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। संसार को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे रचने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए मेरा कोई भी अहित नहीं हो सकता है, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता है, मुझसे कोई मेरी आशीष को नहीं छीन सकता है। मेरा आशीष देने वाला परमेश्वर जिंदा है और वो मेरे साथ है। हालेलुया। जब हम डरते हैं तो पीछे हटते हैं, जब हम डरते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। आज का वचन यही तो है कि हमें अपने आशीषों को कैसे पाना है, हमें अंगीकार करना है डेली। लिख लीजिए आप, हमें अंगीकार करना है। जब आप सुबह उठें, अंगीकार करिए कि आप प्रभु की पुत्री हैं। जब आप सुबह उठें, आप अंगीकार करिए आप परमेश्वर की बच्ची हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए है।
जब आप समय तो उठे तो अंगीकार करिए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए हैं। हालेलुया, अंगीकार करिए। जब आप सुबह उठे तो अंगीकार करिए कि परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए है। जब आप सुबह तो आप सुबह उठे तो आप अंगीकार करिए कि परमेश्वर का अद्भुत आशीष मेरे साथ है। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, वो मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए शैतान की बातों में बहकावे मत आइए। शैतान आपको बहकाएगा कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान आपको बहकाएगा तेरी जिंदगी खत्म, तेरी बीमारी अब नहीं निकलेगी, अब तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, अब तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको बताइए कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरा परमेश्वर जो कहता है वो होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलिए। आप उस सामर्थ को नहीं देते। इफिसियों 1:19 वो सामर्थ जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के प्यार करने वालों के लिए कितना महान है, कितना बड़ा है। परमेश्वर का सामर्थ हम प्यार करने वालों के लिए बहुत महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको महसूस करना है कि वो सामर्थ मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें महसूस करना है। क्या लिखा हुआ 19 का, इफिसियों 1:19, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान है वो सामर्थ हमारे, हमें हर संकट से बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियों 8:28 का कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज संभव है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये 10,000 की, 15,000 की, 50,000 की नौकरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे परमेश्वर मिला है। आप उसकी कीमत को समझिए, आप उसकी कीमत को जानिए। आपको यीशु मिला है, आपको अनंत काल का जीवन मिला है। मेरी बहन, आप उसके लहू से शुद्ध हो चुकी हैं। उस सामर्थ को समझिए। आपकी बीमारी आपके शरीर से नहीं जा रही है, धन्यवाद बोलिए, मुझे यीशु मिला है, मैं उसके लहू से शुद्ध हो चुकी हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वक्त पर, अपने समय पर काम करता है। हम्मा, आपको अंगीकार की जरूरत है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जब आप परीक्षाओं में पढ़े तो उसको नाना प्रकार की विभिन्न आनंद में नहीं। हालेलुया। याकूब 1:2-4 हम सबके जीवन में संकट आता है क्योंकि हम शरीर में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप आत्मा में जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। आप आत्मिक जीवन जीना शुरू कर दीजिए मेरी बहन, आपके लिए कोई संकट नहीं है। आपके लिए कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। हम शारीरिक रूप से अपने आप को देखते हैं, आप आत्मिक रूप से अपने आप को देखना शुरू करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को जिंदा किया है। क्या यह काम करने से मेरी आत्मा नाश होने वाली है? नहीं चाहिए मुझे कोई सुख, मुझे मेरी आत्मा को बचाना है। हम शरीर को बचाते हैं। अरे मेरा शरीर अगर मेरी आत्मा के नाश का कारण बन रहा है तो मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है? वो अनमोल चीज।
इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेला है। इसलिए वो कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो आगे, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो ये जानो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, जब परीक्षा आएगी, आपकी नौकरी छूट गई, प्रेज द लॉर्ड, क्या है आपके सामने परीक्षा, कब नौकरी मिलेगी, राशन नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, तब आपका विश्वास डगमगाएगा, तब आपका विश्वास कहेगा अरे भाई अगर और 2 महीने सर्विस नहीं मिली तो कहां से खाएंगे, बच्चों की फीस कहां से देंगे, किराया कहां से देंगे। बात भी सही है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें भी आनंद की बात समझिए, क्योंकि आपके जीवन में रास्ते खोलने वाला कौन है, आपको बुद्धि देने वाला कौन है, आपके हाथों में शिफा देने वाला कौन है, आप जो काम कर रहे हैं आपसे कराने वाला कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है। अगर मैं 50 साल का हूं और 50 साल तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है, तो मैं विश्वास करता हूं आगे भी मुझे परमेश्वर संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरा प्रभु मुझे अब तक संभालता आया है, आगे भी मुझे लेकर जाएगा और मुझे सफलता की जिंदगी देगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है। इसलिए वो कहता है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो, कि जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। आप सोचिए कि परमेश्वर क्यों कहता है परीक्षा में पढ़े। आपको कहीं से पैसे आने की उम्मीद है, नहीं आ रहे हैं, आपके लिए परीक्षा है, आपके लिए परीक्षा है। परमेश्वर चाहता है मेरा बच्चा और धीरज में आए। क्यों? क्योंकि जब आप धीरज में आएंगे तब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, जब आप धीरजवंत होंगे तब परमेश्वर की शक्ति पर आप भरोसा करेंगे। क्या होगा धीरज में? हालेलुया, आपका भरोसा आपको आशीष देगा, आपका भरोसा आपके अंदर धीरज उत्पन्न करेगा, और जब धीरज उत्पन्न होगा तब आप स्थिर होंगे, तब आप सिद्ध बनेंगे, और जब आप सिद्ध बनेंगे तब ये पूरी कायनात आपकी बात मानेगी। आप समझ रहे हैं सिद्धता का मतलब, समझ रहे हैं? हम सिद्ध बनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो आने से पहले खत्म हो जाएं। हमें कई बार नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता हम मांग कर रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें नहीं पता है। यहूदा इस्करियोती को नहीं पता था वो क्या मांग रहा है, उसमें जलन आई, स्वार्थ आया, और वो महायाजकों के पास गया कि मैं यीशु को पकड़वाता हूं। उसको नहीं पता था कि यीशु को पकड़वाने से क्या होगा, और क्या हुआ, सिक्के लिए उसने, और जब उसे पता लगा यीशु मसीह पकड़ा गया है, उसने अफसोस किया, सिक्के फेंक कर आ गया और आत्महत्या कर ली। प्रेज द लॉर्ड, उसे पता नहीं था मैं क्यों मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं। आप जब मांग रहे हैं कई बार आपको भी नहीं पता होता कि मैं क्या मांग रहा हूं। हम चाहते हैं कि हम मांगे और हमें मिले। परमेश्वर आपको देना चाहता है वो चीज जो अनंत काल तक आपके साथ रहे। हम नहीं चाहते, हम चाहते अभी दरवाजा खोले, बस अभी हो। प्रेज द लॉर्ड, आपकी भूख लगी है, आप कहते हैं अभी खाना मिले। परमेश्वर चाहता मेरी बच्ची भूखी रहे, वो चाहता कि मेरी बच्ची भूखी हो,
क्योंकि जब मेरी बच्ची भूखी होगी और तब जब मैं स्वर्गीय रोटी दूंगा तो उसका स्वाद उसे पता चलेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8:2, आप परमेश्वर के मन को जानिए। प्रेज द लॉर्ड। 2:3 क्या कहता है? और स्मरण रख, व्यवस्था विवरण में जब इसराइलियों को लेकर जंगल में आया था तो परमेश्वर इसराइलियों से क्या कहता है कि याद रख कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लेकर आया कि मैं तुझे नम्र करूं, तेरी परीक्षा करके ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों परीक्षा कर रहा है? ताकि वो जानना चाहता है कि परीक्षाओं में भी आप उस पर निर्भर है कि नहीं है। तीसरा, इसी का तीसरा, उसने तुझको नम्र बनाया। हाँ। और भूखा भी होने दिया। भूखा होने दिया, परमेश्वर ने आपको भूखा होने दिया। भरोसा, देखिए अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप भूख में भी आनंद का अनुभव करेंगे। क्यों अनुभव करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस पिता को चाहते हैं, आप जिस पिता को पूछते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। मेरी रोटी उसके लिए कोई कीमत नहीं रखती है। अगर आप भूखे हैं और आपको रोटी नहीं मिल रही है, विश्वास करिए परमेश्वर आपको ऐसी रोटी देना चाहता है जो अनंत काल का सुख आपको दे। इसलिए वो चाहता है कि उस परीक्षा में तुम आनंद का अनुभव करो। वो आनंद आपको बताएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। दुनिया चाहे कैसी चाल चले, सबकी नौकरियां छूट रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, लेकिन आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको भूखा रखता है, वो आपको परीक्षाओं में डालता है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता इमीडिएट, लेकिन वो चाहता है आप हमेशा आनंद महसूस करें, क्योंकि वो हर चीज मुहैया कराने में सक्षम है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन में क्यों नहीं काम होता है? क्योंकि हम उसको साथ लेके नहीं चल रहे, हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। इसलिए नहीं हो रहा है। 8:32, रोमियो 8:32 क्या कहता है? अगर वो अपने पुत्र को वो मार सकता है, पुत्र को वो आपके लिए उसकी प्राणों की आहुति दे सकता है, तो क्या वो आपको सब कुछ नहीं दे सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है 8:32? रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज इकलौते प्यारे पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा आपको पाने के लिए, आगे, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हाँ। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हमें क्यों नहीं देगा वो? ये हमारी सोच कब होनी चाहिए? जब हम परीक्षा में पड़े, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आए, जब आप जज के सामने खड़े हुए हैं। आप विश्वास करिए, जब यीशु मसीह मेरे लिए मर सकता है, जब मेरे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मार दिया, तो क्या इस जज के मन को नहीं बदल सकता वो? मेरे पति के मन को नहीं बदल सकता वो? आमीन। यही तो परमेश्वर चाहता है, कि यही तो रोटी है जो आज आपने ली। परमेश्वर वही तो रोटी आपके अंदर देता है कि रोटी जो वचन है वो आपके अंदर जिंदा रहे। वो वचन आपको शक्ति देता है।
इसलिए वो कहता है कि आप अंगीकार करिए, इसलिए वो कहता है कि आप इस वचन को अपने अंदर ले लीजिए। आप अंदर नहीं ले पाते, अगर लूका की पत्री हम पढ़ेंगे 7-8 में, उसमें लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत, लिखा है सबने पढ़ा होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है। 4 तरीके के लोग आते हैं जो चर्च में आते हैं। कुछ आते हैं इमीडिएट, उनको चर्च में वचन अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो पक्षी यानी कि शैतान वो वचन को चुरा लेता है। हालेलुया, चुराता है। प्रेज द लॉर्ड। और नयों के साथ नहीं होता, पुरानों के साथ भी होता है। क्यों चुराता है कभी आपने सोचा है? आप हंसते, अरे वचन ही तो चुराए हैं ना, क्या हुआ, बाइबल तो है मेरे पास। अरे भैया बेवकूफ, जब तू उस वचन को नहीं संभाल पाए तो बाइबल में लिखा हुआ क्या संभालेगा। वचन क्या है? वचन आपके अंदर क्या देता है? विश्वास। आपने जो कलीसिया में लिया, उस वचन ने आपके अंदर विश्वास को जिंदा किया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या लेकर आएगा? आशा। तो यानी कि जब आप चर्च से बाहर गए तो शैतान ने आपके अंदर से वचन चुराया। वचन नहीं चुराया, उसने आपके विश्वास को चुराया। और जब विश्वास आपका उसने चोरी कर लिया, तो आपकी जो आशा थी यीशु के ऊपर वो मर गई। अब आपके पास क्या, कुछ भी नहीं है। यही तो शैतान की चाल है। इसलिए बाइबल कहते, इसलिए वचन कहते हैं लिख लो, ताकि घर जाके उसको बार बार पढ़ो, ताकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए और वो विश्वास आपके संग आशा को जीवित रखे। आप उसकी चिंता नहीं करते। आप बाहर गए, वचन चुरा लिया, आपको कोई कीमत नहीं, लेकिन आप नहीं जानते आपने क्या खोया है, आपने क्या खोया है। शैतान बेवकूफ नहीं है, उसने आपके अंदर से वचन चुरा लिया, वो वचन जो आपको जीवन देता है, जो आपको विश्वास देता है, जो आपके विश्वास को करता है, मजबूत करता है, और विश्वास क्या पैदा करता है? आशा। मत्ती 9:20-21, इसलिए कलीसिया से जाने, कलीसिया जब जाते हैं, किसी से बात मत करिए, रिकलेक्ट करिए पास्टर ने क्या बताया, आज कौन सा वचन मुझे मिला। वो वचन आपके जीवन में काम करता है। ये औरत जो कि 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, 12 साल से इसको लहू की बीमारी थी, लहू बहता था लगातार, बाइबल कहती है उसका सारा पैसा खत्म हो गया था, सारा पैसा उसका खत्म हो गया। 9:20 और देखो, सुनिए, और देखो, एक मिनट बेटा, उसका पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? विश्वास। उसने घर बैठे बैठे, देखिए ध्यान दीजिए आज जो मैं कह रहा हूं आपको, अंगीकार करने का मतलब क्या है। ये पहली औरत है जिसने अंगीकार करके अपना चमत्कार लिया, अंगीकार करके, सिर्फ अंगीकार किया और कुछ नहीं किया। हमें परमेश्वर के सामर्थ के बारे में पता है, हम उसकी शक्ति के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम अंगीकार करते हैं। इस औरत ने क्या किया, देखो, पढ़ो बेटा। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी चंगाई अंगीकार करके ली, वो घर से निकली, वो जानती थी कि यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के शरीर में, यीशु मसीह में सामर्थ है। मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। Praise the Lord.
अंगीकार किया, मैं यीशु मसीह का नाम लूंगी, मेरे जीवन से संकट निकलेंगे। अंगीकार करिए, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगी, संकट निकल जाएंगे, शैतान निकल जाएगा। यीशु मसीह के नाम अंगीकार करिए, मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ है, मेरे पास यीशु का वचन है, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अंगीकार करिए, आपकी छोटी सी प्रॉब्लम, आपका बच्चा नहीं बिगड़ रहा है, आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा है, आपका पति गलत संगति में जा रहा है, अंगीकार करिए, मेरा पति यीशु मसीह के नाम से चंगा ही पाएगा, मेरा धंधा यीशु मसीह के नाम से चंगा होगा, मेरी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगी होगी, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। हम अंगीकार ही नहीं करते। और सुनिए, आपका अंगीकार शैतान के बिछाए जाल को तोड़ता है। आप जान लीजिए मेरी बहन, आप सबके जीवन के चारों तरफ शैतान ने जाल बिछाया हुआ है, सबके चारों तरफ शैतान ने जाल बिछाया हुआ है, और आप ही उस जाल को तोड़ सकते हैं, यीशु मसीह नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो अधिकार उसने आपको दिया है। आप अंगीकार करेंगे कि मेरा घर यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुका है, अंगीकार करिए, शैतान आपके घर से निकलेगा। अंगीकार करते रहिए घर में, सुबह से शाम तक अंगीकार करिए, आते जाते अंगीकार करिए, यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के लहू से मेरी जो नौकरी है वो सुरक्षित है, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। विश्वास करिए, अंगीकार करिए, अंगीकार करिए कि मैं यीशु मसीह की पुत्री हूं। आप देखिए, आपके जो चारों तरफ शैतान ने जाल बिछाया हुआ है वो टूटने लगेगा, जैसे आप अंगीकार करेंगे यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह आने वाला है, मैं यीशु मसीह के साथ जाऊंगी। अंगीकार करते रहिए, आपका अंगीकार आपको आशीष देगा और शैतान के बंधन टूटेंगे। भागेगा शैतान, आप नहीं जानते। संडे के संडे प्रार्थना की, कभी सुबह उठ के हाथ जोड़ लिए, काफी नहीं है, अंतिम समय है। हमें हर पल अंगीकार में रहना है, हमें हर पल उसकी उपस्थिति को महसूस करना है, हमें हर पल दुनिया को बताना है कि यीशु मेरा उद्धार करता है। अंगीकार करना है, अरे शैतान कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं कर सकता। शैतान आपसे गलत काम कराने की कोशिश करता है, पता है आपको, यीशु को मारने की कोशिश की थी शैतान ने, यीशु मसीह को मारने की कोशिश की थी शैतान ने, आपको पता है? नहीं पता है। मत्ती 4 में जब 40 दिन के उपवास के लिए यीशु मसीह गए थे, ऊपर ले गया, उस चट्टान पे ले गया मंदिर के ऊपर, और बोला यीशु मसीह से, गिर जा, कूद जा, स्वर्गदूत आएंगे तुझे बचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता था, यही करता है। आज अगर आपको वचनों का ज्ञान नहीं है तो आपके वचनों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके आपको गलत तरीके से आपको शिक्षा देगा और आपको मारने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, गड्ढा आ रहा है, ट्रैफिक है, पीछे भी ट्रैफिक है, आगे भी ट्रैफिक है, शैतान आपको कहेगा, अरे प्रभु तेरे साथ है, ये सब गाड़ियां कुछ भी हो सकता, तेरा कुछ नहीं होगा, तो ब्रेक लगाए, कुछ भी कर, और आप शैतान की बातों में आ जाते हैं। आप ब्रेक लगाते हैं, पीछे से गाड़ी आपको ठोक देती है, खत्म। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते शैतान को, आपको परमेश्वर, आपको शैतान उकसाएगा, अरे तू परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर तुझे अभी उठाएगा यहां से। यीशु मसीह को मारने की कोशिश की शैतान ने, कूद जा,
यीशु मसीह ने कहा कि मुझे परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। इस चीज को, इसीलिए ये वचन जो प्रभु का वचन है, जो उसकी देह है, उसको खाना जरूरी है ताकि आप शैतान की चाल को समझ जाएं। नहीं शैतान, मुझे प्रभु की परीक्षा नहीं करनी, हट, मैं उसका दास हूं। हालेलुया। शैतान का एक ही मकसद है, आपकी आत्मा का नाश करना। और वो कैसे होगा? पिता के विरुद्ध बात करना, उसकी आज्ञाओं को ना मानना, बस, और कुछ नहीं चाहता वो। उसे कोई आपसे प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। हालेलुया। इसलिए अंगीकार सबसे बड़ी चीज है, कि हम मांगते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हम क्या मांग रहे हैं। हन्ना बांझ थी, मां नहीं बन पा रही थी। पहला शमूएल 1:5 अगर पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। वो रोती थी, बिलखती थी कि मैं मां नहीं बन पा रही हूं। उसकी जो सौतन थी पनन्ना उसे चढ़ाती थी, अरे मैं बच्चों की मां बनी हूं, तू बांझ है। रोती थी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। प्रभु ने बच्चा नहीं दिया, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी, क्योंकि हन्ना को नहीं पता था कि उसे बच्चा क्यों चाहिए। आपके अंदर क्यों परमेश्वर पैदा करना चाहता है कि आपको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? आपकी इच्छा क्यों जागी है? प्रेज द लॉर्ड। और जब मंदिर में आकर हन्ना ने इस क्यों को अपने अंदर जन्म पाया, क्यों, क्यों ने जब जन्म लिया हन्ना के अंदर, तब उसने कहा कि परमेश्वर मेरे ये बच्चा होगा, मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। जब उसके अंदर क्यों पैदा हो गया, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। हालेलुया। आज के लड़कियां शादी करना चाहती हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, अच्छा लड़का दीजिए जिसके पास गाड़ी हो, खूबसूरत हो, इंग्लिश बोलता हो, बड़ी उसकी इनकम हो, अच्छी उसकी सर्विस हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब क्यों? अगर परमेश्वर पूछेगा क्यों, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप शरीर के सुख के लिए मांग रही हैं। आप कहिए कि परमेश्वर मुझे वो लड़का चाहिए जो तुझे जानता हो, मुझे वो लड़का चाहिए जिसमें तेरा भय हो, उसके पास पैसा ना हो लेकिन उसके पास वचन का खजाना हो। प्रेज द लॉर्ड। मांग के देखिए मेरी बहन, परमेश्वर वो खजाना आपको देगा जो कभी खत्म नहीं होगा। हम क्यों मांग रहे हैं हमें नहीं पता, हम इसलिए निराश हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा धंधा बहुत बढ़े, परमेश्वर भी चाहता है, लेकिन क्यों? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? हमारा जो क्यों है, हमारे अंदर क्यों, जब तक जन्म नहीं लेगा मेरी बहन, तब तक हमारा संदेह बना रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी वो इच्छा को पूरा करना नहीं चाहता है जो इच्छा आपको दूर कर दे परमेश्वर से। और आपकी कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आपको पूरी होते ही आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इमीडिएट दूर हो जाते हैं। मैंने कईयों को देखा हमारे चर्च में, बहुतों को। एक बहन हमारे आती थी, 16 साल से उसको बच्चा नहीं था, पता नहीं कहां कहां गई वो। हमारे कलीसिया में आई यीशु मसीह के नाम से, 16 साल से हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, नहीं मुझे बच्चा चाहिए, मैं प्रभु के नाम से बच्चा चाहिए। बच्चा हुआ, घर में बैठ गई, भूल गई प्रभु को। 16 साल के बाद बच्चा हुआ,
क्या नाम था उसका? अंजलि। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई थे, उनकी बहू डिलीवरी में, उसको बच्चा होने वाला है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा मरा हुआ है, बच्चा मरा हुआ है। उसके पति ने कहा नहीं मुझे पास्टर से प्रार्थना करानी है। डॉक्टर ने कहा अरे ऑपरेशन थिएटर में इस समय प्रार्थना नहीं हो सकती। कहते नहीं मुझे एक बार प्रार्थना करानी है। उसने मुझे फोन किया, यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की कि बच्चे को परमेश्वर आशीष दीजिए। उसी समय उस बच्चे में जान आ गई और बच्चा जब निकला तो वो जिंदा था। लेकिन क्या हुआ, उसने गवाही भी दी, मिठाई भी बांटी। कहां पर है? घर में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आपके लिए बच्चा कीमती है प्रभु। आपने आप वो चीज मांग रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। परमेश्वर चाहता है मेरी बहन कि आप उसके करीब रहे। परमेश्वर ने आपको अपना लहू से सींचा है, इसलिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए परमेश्वर हमारी वो इच्छा पूरी हो जिस इच्छा के द्वारा मैं तेरे करीब आऊं, मैं तुझसे दूर ना जाऊं। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं है हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंगीकार करिए मेरे बहन मेरे भाई, अंगीकार करिए। भजन संहिता 23:1, अंगीकार करिए। आपका अंगीकार आपको आशीष देगा। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। आप घर में अकेले हैं, दुविधा में हैं, मुसीबत में हैं, अंगीकार करिए यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवा है मुझे कुछ घटी ना होगी, नहीं होगी। अंगीकार करिए। इसी का चौथा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से न डरूंगा। Praise the Lord, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मैं अंधकार की घोर तराई में होकर चलूं, फिर भी मेरा कोई अहित नहीं होगा, फिर भी मेरा कोई भी नाश नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। पता परमेश्वर कहां काम करता है? जानना चाहते हैं? जिसके पास आशा होती है ना, परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता है। आपके पास अगर आशा नहीं है वो काम नहीं करेगा। परमेश्वर काम आपके मतलब आपके जीवन में होगा ही नहीं, याद रख लीजिए। अगर आपके पास होप नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इब्रानियों 11:1। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा क्या है? ज्योति। मेरे जीवन में आशा क्या है? मेरी ज्योति। मेरे जीवन में आपके जीवन में आशा क्या है? कि यीशु आएगा और हमको लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे पास ये आशा नहीं है तो मैं मसीह नहीं हूं। मेरी हर कमी घटी को पूरा करने वाला कौन है? यीशु। ये क्या है? आशा। अगर आपकी आशा मर गई है मेरी बहन, तो उसको जिंदा करने का एक ही इरादा है, एक ही उपाय है, अंगीकार करिए। मेरा अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मेरे जीवन में यीशु की आशा है, मैं यीशु से प्यार करती हूं, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। अगर आपके पास आशा नहीं है तो यीशु आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। अगर आप कलीसिया में आते हैं और आपके पास आशा नहीं है, आप यीशु मसीह का आशीष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको आशा के संग बैठना कि मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरी बेटी का अच्छा होगा, मेरी बीमारी चंगाई पाएगी। परमेश्वर अंधकार में काम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा उजियाला हो। जब उजाला किया तो दुनिया बनाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, अगर आपके जीवन में अंधकार है उसको उजाले में बदलिए। और उजाला कौन है? यीशु। आशा कौन है? उजाला।
कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर यीशु की आशा आपके साथ है। अगर यीशु की आशा मेरे भाई आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चैलेंज करता हूं, तो कितने आंधी आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, भजन संहिता आपका 23:6 क्या बोलता है? 23:6, निश्चय वो मुझे आशीष देगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। यस, ये है आशा, ये है उसका वादा। निश्चय, इस बात को कोई नहीं टाल सकता है, कोई भी टाल नहीं सकता है उसको। सुनो, हालेलुया, कोई बात टाल नहीं सकता है। निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। क्यों? और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, हर पल वास करूंगा मैं, क्योंकि मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। आप नहीं जानती बहन आपने क्या पाया है, आप नहीं जानते मेरे बच्चे परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, आपके अंदर क्या है, आप नहीं जानते आपका पिता कौन है। हम अपनी आत्मा में जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें, इसलिए परमेश्वर कहता है, वो कहता है कुलुसियों 3:1-2 कि हमें स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान देना है। मैं पर्वत की ओर निहारता हूं तो मुझे आशीष कहां से मिलेगा? पर्वतों से आने वाला है, यीशु देने वाला है। आपकी आशा हमेशा जिंदा रहे, जब आप कलीसिया आए तो आपकी आशा आपके साथ हो। आज मैं कलीसिया जा रही हूं, मेरा अच्छा होगा। आज मैं कलीसिया जा रही हूं, मेरे बिगड़ते काम बनेंगे। आज मैं कलीसिया जा रही हूं, मैं पिता परमेश्वर से मिलूंगी, मुझे आशीष मिलेगा। हालेलुया, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे आशीष मिलेगा। इस आशा के संग आप कलीसिया में आइए मेरी बहन, जीवन बदल जाएगा आपका, फिर कोई भी तूफान, कोई भी बारिश आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी आशा आपके साथ नहीं है, आपका विश्वास आपके साथ नहीं है, इसलिए बारिश और तूफान आपको घर में बिठा देते हैं। जरा सी बारिश हुई बैठ गए आप। चर्च में क्या है? जीवन। चर्च में कौन है? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। बोलिए मेरे साथ, पूरा बोलिए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मेरे जीवन में परमेश्वर ने हानि के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई है। परमेश्वर की सारी योजनाएं मेरे लिए लाभ की हैं, आशीष मेरे लिए है, सुख मेरे लिए है, आनंद मेरे लिए है, ज्योति मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, अंगीकार करिए ये जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, इसे रोज अंगीकार करिए। जाते समय अंगीकार करिए, घर में रुकते हुए समय अंगीकार करिए, सोते समय अंगीकार करिए, उठते हुए अंगीकार करिए, खाना बनाते समय अंगीकार करिए, अंगीकार करिए कि यीशु आपका है, अंगीकार करिए कि यीशु का सामर्थ्य आपके साथ है, अंगीकार करिए कि कोई भी रुकावट, कोई शैतान आपके जीवन में रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। अंगीकार करिए और आनंद बनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आपके अंगीकार में आपका चमत्कार छुपा है, आपके अंगीकार में आपका चमत्कार छुपा है, उसने सब कुछ दे दिया है। आपके अंगीकार में आपका चमत्कार है। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, अंगीकार करिए, होगा, अच्छा होगा, होगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरे पति का अच्छा होगा, आज काम नहीं हुआ कल होगा, होगा, परसों भी नहीं हुआ नहीं होगा, ना होगा, परमेश्वर मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु मसीह में आए मेरे भाई, आपकी जिंदगी
नहीं रहेगी, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपका विश्वास आपके साथ रहना चाहिए, आपकी आशा आपके साथ, आप में जिंदा रहनी चाहिए। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, बोलिए यीशु मसीह की।